इंदौर शहर के भंवरकुआं क्षेत्र में स्थित एप्पल हॉस्पिटल की लूट फिर शुरू हो गई है। कोरोना काल में भी इस हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर मनीष सिंह ने कार्रवाई करवाई थी, उसी तरह की एक कार्रवाई आज और की गई है। एक मरीज के परिजन ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी माताजी के इलाज के लिए मनमाना शुल्क मांगा गया और जब इनकार किया गया तो मरीज को भर्ती भी नहीं किया। इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर CMHO, सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच शुरू की और मेडिकल शॉप को भी सील किया जा रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेड़ेकर के मुताबिक टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है।